मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी। 7 वज़रा को हटा दिया, काबीना के 3/4 हिस्से को तब्दील किया। साबिक काबीना में सिर्फ 8 अरकान अपने साबिका ओहदों पर बरकरार हैं। दिफाई अखराजात में कनाडा के साथ सख्त बातचीत करेंगे। नौराज के आने वाले सरबराह की अमरीकी सेनेट में गुफ्तगू। रिपब्लिकन सेनेटर की जानिब से कनाडा के नाकाफी फौजी अखराजात पर तनकीद। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद से निमटने के लिए नई कोशिशें। पुलिस की जानिब से नई मुहिम शुरू कर दी गई। टोरंटो पुलिस चीफ का कहना था कि अपनी कम्युनिटी को महफूज रखने के लिए अपने अजम पर कायम रहे। अमरीकी अदालत ने बाइडन इंतजामिया की पनाह गुजीनों पर आयद करदा पाबंदी मुअत्तल कर दी। पाबंदी को पनाह गुजीनों से मुतालिक मुल्की कवानीन से मुतसादिम करार दे दिया गया। जो बाइडन इंतजामिया को आला अदलिया में अपील करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke wazir azam Justin Trudeau ne kabina mein bade paimane par tabdiliyan kar di hain. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम की इन तब्दीलियों का मकसद महंगाई में कमी और लोगों को रिलीफ फराहम करना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम की इन तब्दीलियों का मकसद महंगाई में कमी और लोगों को रिलीफ फराहम करना है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 7 वज़रा को हटा दिया और अपनी काबीना के तकरीबन 3/4 हिस्से को तब्दील किया। एक ऐसे वक्त में अपनी टीम को तब्दील किया जब बैरून मुल्क कशीदगी और अंदरून मुल्क स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि कनाडा और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए इस वक्त ये एक मुश्किल वक्त है और इस बात को यकीनी बनाना कि हमारे पास कनाडा के चैलेंजेस का जवाब देने के लिए ज़रूरी मदद के साथ बेहतरीन मुमकिन टीम मौजूद है, लेकिन इस उम्मीद परस्ती का भी इजहार करें। इस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए हमें उन नतीजा खेज औकात से गुजरना और हर एक के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करना, उसी पर हमारी तवज्जो मरकूज है। ओपोजिशन क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने इस तब्दीली को वजीर आजम की नाकामियों का सबूत करार दे दिया है। इन तब्दीली से वाज़ेह पैगाम जाता है कि हुकूमत वोटर से किए गए वादे पूरे ना कर सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 7 नए लोगों को काबीना में शामिल किया है। ताहम वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड और वजीर खारजा मेलानिया जूली अपने अहदों पर बरकरार हैं। ट्रूडो की साबिक काबीना में सिर्फ 8 अरकान अपने साबका अहदों पर बरकरार हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो 8 सालों से इक्तदार में हैं और उनको हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के शदीद बहरान का सामना है। एक सीनियर अमरीकी फौजी शख्सियत ने कनाडा के साथ दिफाई अखराजात के बारे में सख्त बातचीत करने पर रजामंदी जाहिर की है, जब वो एक 2 कौमी मिलिट्री बॉडी संभालने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। एक सीनियर अमरीकी फौजी शख्सियत ने कनाडा के साथ दिफाई अखराजात के बारे में सख्त बातचीत करने पर रजामंदी जाहिर की है,
जब वो एक दो कौमी मिलिट्री बॉडी संभालने की तैयारी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ग्रिगरी गैलवेट अमरीकी सेनेट में नॉर्थ अमरीकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के अगले सरबराह के तौर पर अपनी नामजदगी की तस्दीक के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। उनके तबसरे उस वक्त सामने आए जब एक रिपब्लिकन सेनेटर की जानिब से कनाडा के नाकाफी फौजी अखराजात पर तनकीद की गई और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वहां कैनेडियन समाज को देख रहे होंगे। अलास्का के सैन डेन सिलिवान ने नामजद फौजी शख्सियत से पूछा कि क्या आप हमसे अपने कैनेडियन हम मनसबों के साथ इन सख्त बातचीत का अहद कर सकते हैं। गैलवेट ने जवाब दिया, हाँ सेनेटर, आप ऐसा करने के लिए मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। अगर अमरीकी सेनेट से तस्दीक हो जाती है जैसा कि तवक्को की जाती है, गैलवेट नॉर्थ के कमांडर बन जाएंगे, जो कि अमरीका और कनाडा के जरिए चलाई जाने वाली बैन अलावामी तंजीम है जो बर्रे आजम की फिजाई हदूद का दिफा करती है। उन्हें इस मौसम बहार में अमरीकी सदर जो बाइडन ने नामजद किया था, लेकिन ये वाजे नहीं है कि वो बाजाबता तौर पर नया अहदा कब संभालेंगे। नेटो के 30 ममालिक में कनाडा 2022 में GDP के 1.29% के साथ अपनी मईशत के हिस्से के तौर पर सबसे कम खर्च करने वालों में शामिल है, लेकिन खर्च किए गए हकीकी डॉलर्स के लिहाज से कनाडा इत्तेहाद में शामिल अमीर ममालिक में से एक के तौर पर सबसे ऊपर खर्च करने वालों में शामिल है। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद से निमटने के लिए नई कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने शहर पर इसके असरात को उजागर करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो में बंदूक के तशद्दुद से निमटने के लिए नई कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने शहर पर इसके असरात को उजागर करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। गैर कानूनी आतिशी असलहे से मुतालिक आगाही मुहिम पिछले 6 दिनों के अंदर 4 मोहलिक फायरिंग के वाकयात के बाद शुरू हुई है। एक पुलिस के कुत्ते को ड्यूटी के दौरान मारे गए कई घंटे हो चुके हैं, जब से उसे एक 29 साल शूटिंग की शिकार की माँ ने जज्बाती तौर पर तब्दीली की इल्तिजा की थी, और सिर्फ हफ्तों बाद जब 2 नौजवान लड़कियों ने अपनी माँ को खो दिया था, जब वो एक हमला आवर की अंधी गोली का निशाना बनी थी। टोरंटो के पुलिस चीफ मायरॉन डेमकियो ने कहा, बंदूक के तशद्दुद के असरात मुतासिरीन के लिए हवलनाक हैं और उनके मुतालिका खानदानों और मुतालिका बरादरियों को सदमे में डालते हैं जिनमें वो रहते हैं, जो अक्सर नस्ल दर नस्ल सदमे का बाइस बनते हैं। हमारे रिहायशियों की मदद से मुझे यकीन है कि ये मुहिम बंदूक के तशद्दुद को रोकने, शिकार को कम करने और महफूज कम्युनिटीज बनाने में हमारी मदद करेगी। बंदूक के तशद्दुद की अक्सरियत का ताल्लुक उन लोगों से होता है जिनके पास गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी आतिशी असलहा होता है। टोरंटो पुलिस का कहना है कि 2022 में उन्होंने टोरंटो में 620 क्राइम गन्स जब्त की। उन आतिशी असलहे में से 537 हैंड गन से और 420 का सुराख अमरीका के पास था। मंगल को शुरू की गई आगाही मुहिम लोगों से आतिशी असलहा रखने की इत्तला देने, बंदूक की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए शहर और सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम करने और जमानत में इसलाहात का मुतालबा करने पर मरकूज है। पुलिस चीफ ने वजाहत की कि ये हमारे लिए बहुत अहम है कि हम मुतालिका और अहम कानून साजी इसलाहात के जरिए कम्युनिटी को महफूज रखने के लिए अपने अजम पर कायम रहें, जो ज़रूरी है, और अपनी कम्युनिटीज़ को महफूज रखने में मदद के लिए बर वक्त होना चाहिए जो बार बार पुरतशद्दुद मुजरमों से मुतासिर होते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो गैर कानूनी आतिशी असलहा उठा रहे हैं। और टोरंटो की सड़कों और दर हकीकत ओंटारियो और कनाडा की कम्युनिटीज़ पर इस तरह के कॉलर्स के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी अदालत ने जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से मैक्सिको की सरहद से अमरीका में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के पनाह की दरख्वास्त देने पर आयद पाबंदी मुअत्तल कर दी है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी अदालत ने जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से मैक्सिको की सरहद से अमरीका में दाखिले के ख्वाहिशमंदों के पनाह की दरख्वास्त देने पर आयद पाबंदी मुअत्तल कर दी है। जो बाइडन इंतजामिया ने रवां साल मई में ये पाबंदी आयद की थी, जिसके तहत अमरीका में पनाह लेने के ख्वाहिशमंदों की अक्सरियत दरख्वास्त देने की अहल नहीं रही थी। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन टिगार ने हुक्म जारी करते हुए मैक्सिको की सरहद से अमरीका में दाखिले के मतलाशी अफराद के पनाह की दरख्वास्त देने पर आयद पाबंदी मुअत्तल कर दी। अदालती हुक्म में पाबंदी को पनाह गुजीनों से मुतालिक मुल्की कवानीन से मुतसादिम करार दिया गया। ताहम इस अदालती फैसले का कोई फौरी नुमाया असर होने के इम्कान महदूद हैं, क्योंकि अदालती फैसले में जो बाइडन इंतजामिया को आला अदलिया में अपील करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है, और आलमी मीडिया के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने इस फैसले के खिलाफ
सर्किट कोर्ट ऑफ अपील से रुजू भी कर लिया। दरिया असना इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने अदालती फैसले को फतह से ताबीर किया है। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की डिप्टी डायरेक्टर कैथरीना एलन का कहना है कि अदालत का ये फैसला फतह के मुतरादिफ है, तहम उनका कहना है कि ये कामयाबी जज्वी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस गैर कानूनी पाबंदी के खिलाफ जंग को बाइडन इंतजामिया जितना तूल देगी उतना ही मैक्सिको की सरहद पर मौजूद अमरीका में तहफ़ के मतलाशी हजारों अफराद और उनके अहल खाना के मसायब में इजाफा होता चला जाएगा। बाइडन इंतजामिया मैक्सिको की सरहद से गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल होने वालों की तादाद में कमी को अपनी इसी पॉलिसी का समर करार दे रही है। जून में मैक्सिको की सरहद पर 100,000 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जो फरवरी 2021 के बाद से कम तरीन तादाद है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.